नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सबसे मुख्य बात जो सनातन धर्म में देखी गई है कि सनातन धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें वर्तमान में डेवलप हुई मॉडर्न साइंस के साथ भी तालमेल खाती है। इसी बात को आज मैं आपके सामने एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल इंटेलेक्चुअल एंटरटेनर पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहता हूं, साथ ही में अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आपने अपने स्कूल में डार्विन थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डार्विन वह वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें बताया था कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आरंभ हुआ या जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या कोई विशेष कार्य करना होता है तो भगवान विष्णु, जो कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वो अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं और उस विशेष कार्य को पूरा करते हैं। अब आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि डार्विन थ्योरी और विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि जब डार्विन ने सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया तो उसने बताया कि सबसे पहले जीवन जल से प्रारंभ हुआ, जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। यह आपने अपनी छोटी कक्षाओं में अगर थोड़ी सी भी बेसिक साइंस भी पढ़ी होगी तो आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, हम उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। मतलब डार्विन ने कहा कि लाइफ एक्वेटिक एनिमल से स्टार्ट हुई या उन जीवों से स्टार्ट हुई जो पानी में रहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु का भी प्रथम अवतार कौन सा था, मत्स्य अवतार। इसके बाद डार्विन ने कहा कि फिर इस प्रकार के जीव आए जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो जो विष्णु भगवान का जो सेकंड अवतार था वो था दोस्तों क्या, कच्छप अवतार, वो भी जल और थल दोनों में रह सकता है। इसके बाद डार्विन ने कहा इस प्रकार की प्रजाति आई जो जल थल और साथ में कीचड़ को भी भेज सकती है। जो तीसरा अवतार था भगवान विष्णु का वो था दोस्तों वराह अवतार, जो जल थल और कीचड़ तीनों को भेज सकता है। इसके बाद जो चौथा अवतार भगवान विष्णु का है वो है दोस्तों नरसिंह अवतार। और इधर डार्विन थ्योरी ने भी यही कहा कि इस प्रकार के जीव आए जो आधे मनुष्य और आधे पशु। इसके बाद फिर डार्विन थ्योरी आगे बढ़ी और डार्विन थ्योरी आगे बढ़ती हुई कहती है इंसानी रूप में तो आ गया परंतु उसका शरीर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, उसकी हाइट छोटी रह गई एवं अनेक प्रकार की विकृतियां उसमें रह गई। तो हमारा जो दशा अवतार है उसका अगला अवतार है 52 अवतार। तो 52 अवतार में भी यही बात की कही गई, 52 अवतार भी एक छोटी हाइट के ही थे। इसके बाद जो अगली बात डार्विन थ्योरी ने कही वो कही इस कैवमैन टाइप के व्यक्ति आए, यानी कि जिनकी अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं था, क्रोध पे कोई कंट्रोल नहीं था। और जब इधर से दशा अवतार का जो अगला चरण आया, जब भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतरित हुए, तो वह भी इसी प्रकार का अवतार था। और आखिरी में डार्विन थ्योरी ने कहा कि फिर पूर्ण रूप से इंसान बना और फिर उधर ही भगवान विष्णु के दशा अवतार में से 8वें अवतार के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते होंगे तो आज आपको गर्व जरूर हो रहा होगा। और यही बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विकिपीडिया पर भी लिखी हुई है, साथ में आप जाके सर्च भी कर सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ एंशियंट कंसेप्ट ऑफ दशा अवतार हैज बीन इंटरप्टेड टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। धन्यवाद दोस्तों।